हेलो फ्रेंड्स, ज्ञान फॉर मीडिया पे आपका एक बार फिर से स्वागत है और मैं हूँ कृतिका। आई होप कि आपकी प्रिपरेशन अपकमिंग यूजीसी नेट एग्ज़ाम के लिए अच्छी चल रही होगी। सो टुडे वील बी डिस्कसिंग एड एंड पी आर का सेकेंड सीरीज़, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस का। दिस होल वीडियो सीरीज इज एक्सक्लूसिवली फॉर मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म स्टूडेंट्स, दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर यूजीसी नेट एग्जामिनेशन। तो अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब इट, और ये वीडियो आपको पसंद आए तो उसको लाइक ज़रूर करिएगा और आखिर तक देखिएगा ताकि आप सारे क्वेश्चंस को ठीक से समझ पाएँ। ये वीडियो शुरू करने से पहले, क्वेश्चंस पर नज़र डालने से पहले, मैं आपको एक बात बता दूं कि ये एड एंड पीआर जो टॉपिक है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, हर क्वेश्चन को बारीकी से समझिएगा। वी हैव इंक्लूडेड 15 क्वेश्चंस, टॉप 10 की जगह 15 कर दिया, एंड दिस इज़ आर सेकेंड पार्ट। क्योंकि एड एंड पीआर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसके बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस हर साल आते हैं, तो हमने इसका नंबर थोड़ा बढ़ा दिया है। वन मोर थिंग दैट नाउ दैट द एग्ज़ाम इज़ वेरी क्लोज, बहुत ज़्यादा दिन अब नहीं बचे हैं आपके एग्ज़ाम में, मेरे ख्याल से हफ्ता भर बचा है सिर्फ। तो एक बात का आप लोग ध्यान रखिए कि अब बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल बुक्स और थ्योरीज़ में या बहुत ज़्यादा राइटिंग में मत जाइएगा। जस्ट गो थ्रू दी सैम्पल क्वेश्चन, सैम्पल पेपर्स, पिछले सालों में आए हुए क्वेश्चंस को ध्यान से देखिए। आप चाहें तो मेरे सारे वीडियोस को रेफ़र करिए, और मैंने उसमें बहुत कोशिश की है कि जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको ही मैं इंक्लूड करूं, सो यू कैन गो थ्रू देम। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है एड एंड पी आर का, इमेज एडवर्टाइजिंग दैट चेंजेस द एक्सपीरियंस ऑफ बाइंग एंड यूजिंग अ प्रोडक्ट is defined as A, ideal advertising, B is transformation advertising, option number C is experience advertising, या फिर option number D, trade advertising. And here the right answer is option number B, transformational advertising. Image advertising की बात हो रही है तो right answer option number B होगा. Now we move on to question number 2. द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ पब्लिक रिलेशंस इज टू, ये बहुत डिफिकल्ट नहीं है, लेट सी द ऑप्शंस। ए इज टू इंक्रीज द सेल ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, बी इज टू एनहांस द इमेज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन पब्लिक डोमेन, सी इज मेक इंटरनल पॉलिटिक्स पब्लिक, डी इज कीप द चैनल्स ऑफ ग्रेपवाइन ओपन। तो इसमें अगर आप लोग ध्यान से देखें तो ऑप्शन नंबर सी तो बिल्कुल भी नहीं होगा, इंटरनल पॉलिटिक्स को पब्लिक बनाना मकसद नहीं है। डी है कि कीप द चैनल्स ऑफ ग्रेपवाइन ओपन, दिस इज आल्सो अ नेगेटिव स्टेटमेंट। इंक्रीज द सेल ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, ये काम नहीं होता है पब्लिक रिलेशन का। तो यहाँ पे सही ऑप्शन हमारे पास क्या बचा, ऑप्शन नंबर बी, टू एनहांस द इमेज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन पब्लिक डोमेन। जो पब्लिक रिलेशन ऑफिसर होते हैं हर ऑर्गेनाइजेशन में, उनका ये काम होता है कि जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो काम कर रहे हैं उसकी इमेज को वो पब्लिक में थ्रू मीडिया एनहांस कर सकें। सो हियर द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, टू एनहांस द इमेज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन पब्लिक। नाउ मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3 दैट सेज द फर्स्ट रिसर्च एफर्ट ऑन वॉर प्रोपोगंडा वॉज कंडक्टेड बाय, दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपको ज़रूर पता होना चाहिए। ये पेपर 2 में या 3 में या कई बार इवन 1 में भी आने के इसके चांसेस हो जाते हैं। सो हियर द ऑप्शंस आर, ए इज डैनियल लर्नर, बी इज एलुहू कार्ड, सी इज कार्ल हॉवलैंड, या फिर डी वॉल्टर लिपमैन। सो हियर द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, कार्ल हॉवलैंड। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 सेज अ प्रीमियम रेट फॉर अ स्पेशल पोजीशन टू एडवर्टाइज इज नोन एज, A is make good rate, B is impact rate, C is mandatory rate, या फिर D loading rate। कई लोग, कई students जो हैं option number A और B में confuse हो जाते हैं, क्योंकि special position की बात हो रही है और premium rate की बात हो रही है, तो they confuse it with make good rate, but this is not the right answer. The right answer here is impact rate, option number B. Now moving on to question number 5. One of the major elements of a traditional public relations program is A, limiting expenses, B, authoritarian observation, C, situation analysis होगा यहाँ पे, ये
ये स्पेलिंग एरर हो गया है, एनालिसिस होगा, या फिर डी इनकम कॉलिंग। तो मेजर एलिमेंट्स ऑफ अ ट्रेडिशनल पब्लिक रिलेशन प्रोग्राम क्या होता है? सिचुएशन एनालिसिस ही होता है। सो द राइट आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर सी। नाउ क्वेश्चन नंबर सिक्स सेज अ गुड ब्रांड एडवर्टीजमेंट कॉन्सेंट्रेट्स ऑन ए मल्टीपल सेलिंग आइडियाज, बी टू सेलिंग आइडियाज, सी इज वन सेलिंग आइडिया, या फिर डी स्कैटर्ड सेलिंग आइडियाज। तो ऑप्शन नंबर डी तो डेफिनेटली नहीं होगा, बहुत ही एम्बिगुअस है, स्कैटर्ड सेलिंग आइडियाज एंड मल्टीपल, और टू भी नहीं होगा, क्योंकि जब भी आप किसी ब्रांड को एडवर्टाइज करते हो, ये थोड़ा सा दिमाग वाला क्वेश्चन है, यू कैन जस्ट पुट इन लिटिल ऑफ योर ब्रेन एंड आंसर इट वेरी इजीली। तो आप एक ही चीज़ पे फोकस करेंगे तभी वो गुड एडवर्टीजमेंट होगा। सो हियर द ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। वी मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर सेवन। द अमाउंट ऑफ मनी एलोकेटेड फॉर द प्रमोशन ऑफ अ ब्रांड इज कॉल्ड ए प्रमोशन स्पेंड, बी एडवर्टाइजिंग अप्रोप्रिएशन, सी एक्सपोजर एक्सपेंस, या फिर डी एडवर्टाइजिंग एलोकेशन। एंड हियर द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, एडवर्टाइजिंग अप्रोप्रिएशन। प्रमोशन स्पेंड में लोग कन्फ्यूज होते हैं, बट दैट इज नॉट द राइट आंसर। नाउ वी मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर एट। एम्बेडेड जर्नलिज्म इज कंसिडर्ड एज अ टाइप ऑफ ए मिलिट्री ऑफेंस, बी इज एडवर्टाइजिंग, सी इज कैटेगराइजेशन ऑफ न्यूज, एंड डी इज न्यूज मैनेजमेंट। एंड द राइट आंसर हियर इज एम्बेडेड जर्नलिज्म इज कंसिडर्ड एज अ टाइप ऑफ एडवर्टाइजिंग एडवर्टाइजिंग। सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, एडवर्टाइजिंग। नाउ नाइन इज ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन इज अ पार्ट ऑफ ए एडवर्टाइजिंग, बी कम्युनिकेशन एथिक्स, सी रिलीजियस कम्युनिकेशन, या फिर डी पब्लिक रिलेशंस। सो कम्युनिकेशन एथिक्स तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि कम्युनिकेशन की बात हो रही है ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन की, तो एथिक्स तो कहीं से आते नहीं हैं। देन ऑप्शन नंबर सी रिलीजियस कम्युनिकेशन इज ऑल्सो नॉट राइट। प्रॉब्लम आती है ए और डी में, एंड हियर द राइट आंसर इज पब्लिक रिलेशंस। ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन यूज होता है पब्लिक रिलेशंस में। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 सेज इफ सम मीडिया हाउसेज हैव कंट्रोलिंग शेयर्स इन नॉन मीडिया कंपनीज, इट इज नोन एज ए हॉरिजॉन्टल ओनरशिप, बी क्रॉस मीडिया ओनरशिप, सी वर्टिकल ओनरशिप, या फिर डी कॉन्ग्लोमरेट मीडिया ओनरशिप। आई थिंक ये हमारे पिछले वीडियो में भी था ये क्वेश्चन, या इससे सिमिलर क्वेश्चन था, तो आप लोग देख लीजिएगा एक बार। राइट आंसर हियर इज कॉन्ग्लोमरेट मीडिया ओनरशिप। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 सेज द मीडिया दैट हैज बीन फेसिंग डिक्लाइन इन एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू इन द वेस्टर्न वर्ल्ड इज ए न्यूज़पेपर इंडस्ट्री, बी रेडियो, सी टेलीविजन, या फिर डी गूगल। नाउ फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को थोड़ा भी अंदाज़ा हो तो वेस्टर्न वर्ल्ड में जैसे हमारे इंडिया में अखबार बिकता है, हम पैसे दे के उसे खरीदते हैं, वैसे वेस्टर्न कंट्रीज में नहीं होता है। दे गेट इट फॉर फ्री, उनके घर में फ्री में अखबार फ्लायर्स आते हैं, जगह जगह रखे होते हैं, आप जाइए और उसे उठा लीजिए, यू डोंट हैव टू पे एनी मनी फॉर दैट। वहाँ पे दे अर्न इट थ्रू एडवर्टाइजिंग। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, न्यूज़पेपर इंडस्ट्री दैट इज ऑन डिक्लाइन देयर इन एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। Now question number 12 says the ABC's India Digital Measurement Service is supported by। मुझे आप लोग कमेंट करके ABC का फुल फॉर्म बताइएगा। आई वॉन्ट टू सी हाउ मच प्रिपेयर्ड यू ऑल आर फॉर द एग्जाम। सो हियर द ऑप्शंस आर आर्बिट्रॉन, गैलप, हैरिस, या फिर ए सी नेल्सन। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी। Now question number 13 says in the commercial world public relations and advertising are associated with A propaganda, B market, C diplomacy, or D secret service, and the right answer is option B market. Question 14 says the first World Assembly of Public Relations Associations was held in
This is again a general knowledge question, but an important one. The options here are Mexico City, New York City, London, or for Tokyo. First, World Assembly of Public Relations Associations ki baat ho rahi hai. So here the right answer is option A, Mexico City. Now question 15 says, banner advertisement is type of A, outdoor advertising, B, interactive advertising, C, corporate advertising, or D, paid advertising. This is a question jo ki bahut confusing lagta hai students ko, kyunki banner paid advertising bhi ho sakta hai, outdoor bhi ho sakta hai. So most of the people confuse it with outdoor advertising, but no, banner advertisement is a type of interactive advertising. So here the right answer is option B. So friends, we come to the end of this video. 15 questions aapne yahan pe dekhe aur pichle video mein humne 15 questions discuss kiye the. You can go through them also, because again I am saying ad and PR is a very important topic. You must go through all the questions. Agar aapko kisi bhi option mein confusion ho to please aap usko refer karke apna confusion clear kariyega. Because अब time नहीं है तो इस question series के माध्यम से our main motive is to give you the crux of the topic. बहुत elaborated हम यहाँ पे अभी नहीं जा सकते हैं. So we try to you know convey the important topics through the questions. तो आप लोग सारे questions एक बार अच्छे से देख लीजिएगा. अगर ये video आपको पसंद आया हो तो please do like it and share it among your friends, ताकि इस free tutorial का ज़्यादा से ज़्यादा लोग फ़ायदा उठा सके. And don't forget to subscribe the channel ज्ञान for media.